गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर राधा राठी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, इन विच वी विल स्टडी द रेड पम्पकिन बीटल। इट्स साइंटिफिक नेम इज एल्यूकोफोरा फेविकोलिस। दिस एल्यूकोफोरा फेविकोलिस बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कोलियोप्टेरा एंड फैमिली कैरिसोमेलिडी। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एशिया, अफ्रीका, साउथ यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन हरियाणा, पंजाब एंड यूपी। और इसके जो होस्ट प्लांट हैं, द मेन होस्ट आर कुकरबिट्स लाइक पम्पकिन, कुकुम्बर, घिया, तोरी, गर्ड, टिंडा एट्सेट्रा। दीज आर द होस्ट प्लांट फॉर दिस रेड पम्पकिन बीटल। जनरल अपीरियंस जो है इसकी, द अडल्ट बीटल आर ओवल एंड 5 to 8 mm लॉन्ग। ये जो अडल्ट बीटल है, दिस इज द अडल्ट बीटल। और इसकी जो बॉडी है दैट इज 5 to 8 mm लॉन्ग, 5 to 8 mm की इसकी बॉडी होती है एंड 4 mm वाइड। इसकी जो विड्थ है दैट इज 4 mm। और ये बीटल होता है तो इसकी जो इंटरमीडिएट स्टेज है, मैंने बताया था आपको कि जो बीटल्स होते हैं उनकी इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो गर्भ होती है, दैट इज गर्भ। दिस इज द गर्भ, इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ बीटल। ठीक है, दिस बीटल हैव बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स एंड देयर बॉडी इज ऑरेंज रेड कलर्ड। इसकी जो बॉडी होती है वो ऑरेंज रेड कलर की होती है और इसकी डोर्सल साइड और पर ब्लैक जो है वो स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। और जो इसकी एब्डोमेन है वो वाइट हेयर से कवर्ड होता है। ठीक है, तो इसकी बॉडी का कलर जो है वो ऑरेंज है। ठीक है, और डोर्सल साइड में ये जो है ऑरेंज कलर की और ब्लैक ऑन वेंट्रल साइड। हैबिट्स की इसकी बात करते हैं तो हम इसके बारे में देखते हैं कि किस तरह का जो इंसेक्ट है ये बीटल, किस टाइप का की इसके हैबिट्स होती हैं। द अडल्ट इंसेक्ट कॉज मेन डैमेज टू द वेजिटेबल इन अप्रैल टू मे। ये क्या करता है, डैमेज करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और दे हैव बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, मैंने जैसे बताया। तो ये क्या करते हैं, इनसे जो वेजिटेबल होती हैं उनका सेल सैप जो है वो सक कर लेते हैं। एंड अडल्ट्स हाइबरनेट फ्रॉम नवंबर टू फेब्रवरी। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेट क्या होता है, विंटर स्लीप। ठीक है, तो ये विंटर स्लीप में चला जाता है नवंबर टू फेब्रवरी। इसकी लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये जो पेस्ट है रेड पम्पकिन बीटल, इसकी लाइफ साइकिल एग्जाम में आती है। तो द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 25 to 40 days। कंप्लीट होने में, एग से लेके और अडल्ट तक जाने में इसकी लाइफ साइकिल जो है 25 to 40 days लगते हैं इसमें, 25 to 40 days। एंड इसमें जो है ओवरलैपिंग 5 generation रिकॉर्ड की गई है फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर, क्योंकि ये जो नवंबर टू फेब्रवरी तो ये हाइबरनेट कर जाते हैं, तो जो इसका पीरियड है मार्च टू अक्टूबर, इस पीरियड में ही इसकी 5 ओवरलैपिंग जनरेशन आ जाती हैं।
ठीक है। देन इसके सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्स के बारे में। ये इसके एग्स हैं। ये जो इसके एग होते हैं ये द फीमेल लेज आइदर इन क्लस्टर और सिंगल नियर द रूट्स। जो वेजिटेबल की रूट्स होती हैं उनके पास एग लेइंग करती है ये, और क्लस्टर में भी कर सकती है, सिंगल सिंगल भी कर सकती है। द एग्स आर ओवल एंड ऑरेंज कलर। जो ये एग हैं ये ओवल और ऑरेंज कलर के होते हैं, और एक फीमेल जो है वो 60 to 30 एग्स ले करती है इन इट्स लाइफ स्पैन। कितने एग ले करती हैं? 60 to 300 एग्स, ठीक है, 60 to 300 एग्स ले करती है फीमेल इसके लाइफ स्पैन में। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज गर्भ। जैसे कि मैंने बताया बीटल्स की लाइफ साइकिल में गर्भ जो है इंटरमीडिएट स्टेज होती है। गर्भ जो है वो 6 to 15 days के, 6 to 15 days के इंक्यूबेशन के बाद जो है वो हैच आउट होते हैं एग से। एग कन्वर्ट किस में कर जाता है? गर्भ में। कितने टाइम के बाद? 6 to 15 days के बाद जो है वो हैच आउट हो जाते हैं एग इनटू क्रीमी येलो कलर्ड। इसका कलर कैसा होता है? येलो, येलो कलर का जो है वो गर्भ बन जाता है। और ये जो गर्भ है ये फीड करता है अंडरग्राउंड स्टेम पे, फ्रूट पे, फालन लीव्स पे, ठीक है, जो भी वेजिटेबल होती है उन पे। एंड द गर्भ अंडरगो फोर मोल्ट्स। चार मोल्ट के बाद 12 to 25 days में ये कम्प्लीटली ग्रो कर जाता है। 12 to 15 days में इट ग्रो कम्प्लीटली, ठीक है। आफ्टर दिस प्यूपा कमिंग टू एग्जिस्टेंस। ये जो है आपके सामने दिस इज द प्यूपा, प्यूपा स्टेज। द गर्भ प्यूपेट इन स्मूथ थिक वॉल्ड ओवल ईस्टर्न चैम्बर इन द सोयल एट द डेप्थ ऑफ अबाउट 1 centimeter। प्यूपा जो है इट इज 7.5 mm इन लेंथ। प्यूपा की जो लेंथ होती है दैट इज, दिस इज द लेंथ ऑफ द प्यूपा, दैट इज 7.5 mm इसकी लेंथ होती है, एंड 3.5 mm विड्थ। ये जो इसकी विड्थ है वो है 3.5 mm। और ये जो है पेल वाइट होता है कलर में। प्यूपल पीरियड इज ऑफ 7 to 14 days। इसका जो पीरियड है दैट इज 7 to 14 days, यानी कि 2 weeks। देन इट विल कन्वर्ट इनटू द अडल्ट, और अडल्ट प्यूपा से एमर्ज आउट होते हैं। और अडल्ट जो है वो साथ ही साथ फीडिंग और रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है आफ्टर 7 days ऑफ एमर्जेंस। 7 days ऑफ एमर्जेंस दिस अडल्ट स्टार्ट रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से ये जो है वेजिटेबल्स को बहुत डैमेज करते हैं। अब इसकी दोनों ही स्टेज जो हैं वेजिटेबल को डैमेज करती हैं, वन इज बीटल एंड अदर वन इज गर्भ, गर्भ और बीटल। दोनों ही स्टेज जो हैं वो डैमेज कॉज करती हैं। द अडल्ट फीड ऑन द फोलियस बर्ड एंड फ्लावर्स, एंड द गर्भ फीड्स ऑन रूट्स अंडरग्राउंड स्टेम एंड बोर इनटू द फ्रूट्स। मैक्सिमम डैमेज इज कॉज्ड बाय
द गर्भ स्टेज टू द सीडलिंग्स। सबसे ज़्यादा ये नुकसान किसको करता है? सीडलिंग्स को। तो अब इसको अगर इतना ये डैमेज करता है तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल मेजर्स। वो क्या है हमारे पास? सबसे पहले नंबर वन, डीप प्लोइंग शुड बी डन टू किल द इंसेक्ट एंड द प्यूपा। क्या करेंगे हम इसको किल करने के लिए? डीप प्लोइंग। ठीक है। सेकेंडली हम क्या करेंगे? अर्ली वराइटीज ऑफ दीज वेजिटेबल शुड बी शोन। अर्ली वराइटीज ऑफ वेजिटेबल। नंबर थ्री, यंग प्लांट शुड बी डस्टेड बाई ऐश। डस्टेड विद ऐश। ठीक है। नंबर फोर, बीटल मे बी पिक्ड बाई नेट एंड किल्ड। बीटल जो है इट मस्ट बी पिक्ड आउट। और नंबर फाइव जो है, 5% पायरेथ्रम शुड बी डस्टेड। 5% पायरेथ्रम जो है शुड बी डस्टेड। और नंबर सिक्स जो है, लिंडेन, लिंडेन 1% एट द रेट ऑफ 250 लीटर पर एकर शुड बी स्प्रेड। तो इस तरह से करके हम इससे अपनी जो वेजिटेबल्स है उनको हम रेड पंपकिन बीटल से सेव कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।